बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। नाजरीन, आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिशों के नए सिलसिले से कहां पर बारिश का इम्कान। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित में मौसम कैसा रहेगा, तो ताज़ा तरीन रिपोर्ट शेयर करूँगा। अगर आप रोज़ाना चाहते हैं कि मौसम के हाल से बाखबर रहें तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। वेदर लवर्स, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के शुमाली इलाकों में कल से एक मगरबी सिस्टम दाखिल हो सकता है, जो कि सबसे पहले गिलगित की पहाड़ों पर बर्फबारी का सबब बनेगा। इस दौरान 18-19 से मगरबी सिस्टम शिद्दत अख्तियार करके आगे बढ़ेगा और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी कहीं कहीं पर से मुस्तसर तेज़ बारिश का सबब बन सकता है। इस दौरान पंजाब के इंतहाई शुमाली इलाकों इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके गिरदोना में कहीं कहीं 19-22 फरवरी के दरमियान बारिशें हो सकती हैं। कश्मीर की अक्सर वादियों में भी बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। सिंध का मौसम इस दौरान खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। बारिशों के अच्छी शिद्दत के मगरबी सिस्टम मार्च के स्टार्ट से मुल्क पर असरअंदाज होंगे, जिससे गरज चमक तेज हवाओं के साथ बारिश यालाबारी की एक बार फिर वापसी होगी। दर्जे हरारत नॉर्मल के मुताबिक रहेंगे। उम्मीद है कि जिसके सबब सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान मूसलाधार बारिशें, यालाबारी, आंधियाँ और तूफानी हवाएँ चलने के इम्कान आते हैं। तमाम फरवरी के बाकी दिनों में कमज़ोर सिलसिले से ही मुल्क पर असरअंदाज होंगे, जो ज़्यादातर शुमाली इलाका जहाँ तक ही महदूद होंगे। दर्जे हरारत में इजाफा मुमकिन है। बेहतर इल्म अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। बेशक, आमीन। शुक्रिया। तब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।